वहीं राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री एस के शर्मा ने बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने की बात कही है। एस के शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हाई सलाम आदाब और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ इन कंट्री 2 में। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। ओबीसी आरक्षण के बिना होगा नगर निकाय चुनाव, जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन बनाम एमपी गवर्नमेंट का हवाला देते हुए कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द संपन्न कराए निकाय चुनाव, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए समर्पित कमीशन गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराना जरूरी है। अब 2024 के आम चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार निश्चित ही बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का जोखिम उठा पाएगी। वहीं सरकार के सहयोगी जनता दल एस ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री एस के शर्मा ने बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने की बात कही है। एस के शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लंबा खींचने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। एक दो दिन के इंतजार के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है, उसके बाद ही कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। इसी के साथ साथियों, अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल लाइफ इन कंट्री को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।